प्रिय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मेडिसिन रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है अल्ट्रासेट टैबलेट। दोस्तों, यह अल्ट्रासेट टैबलेट जनसेन फार्मास्यूटिकल के द्वारा नियमित की जाती है एवं इसकी 15 गोली की स्ट्रिप का MRP 184। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं इस मेडिसिन के अंदर जो कंटेंट है एवं अन्य बातों के बारे में। दोस्तों, यह मेडिसिन दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, एक पैरासीटामोल दूसरा ट्रामाडोल। जैसा कि आप जानते हैं, पैरासीटामोल एक पेन रिलीवर साल्ट है। यह दर्द के कारण उत्पन्न होने वाले केमिकल मैसेज को ब्लॉक कर देता है और एवं ट्रामाडोल भी एक पेन रिलीवर है। यह भी दर्द के सिग्नल को दिमाग तक पहुंचने नहीं देता और जिससे कि व्यक्ति को दर्द का पता नहीं लगता। यह दवाई 12 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही दी जाती है। यह मेडिसिन जिसको बहुत ही तेज दर्द होता है उसी को दी जाती है, क्योंकि यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। दोस्तों, इस मेडिसिन के उपयोग लगातार लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, जिससे कि शरीर पर दुष्परिणाम आते हैं। यह दवाई के प्रयोग से नींद आती है एवं इसको लेने के बाद किसी प्रकार की मशीन इत्यादि को चलाना नहीं चाहिए एवं गाड़ी को भी नहीं चलाना चाहिए। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं इस मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट है उसके बारे में। इस दवाई को लेने से कुछ पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। आमतौर पर इस मेडिसिन को लेने वाले को कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि उसकी दिनचर्या बिगड़ जाती है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की अन्य कब्ज से रिलेटेड मेडिसिन लेनी चाहिए। देखो दोस्तों, यह मेडिसिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस मेडिसिन को ज्यादा लंबे समय तक लेता है उसकी यह किडनी एवं लीवर पर इफेक्ट डालती है। ऐसी स्थिति में अगर कभी यह लंबे समय तक ली जाए तो लीवर और किडनी के टेस्ट कराएं, ताकि यह पता लगाया जा सके कहीं इस मेडिसिन ने किडनी और लीवर पर दुष्परिणाम तो नहीं डाले हैं। दोस्तों, यह मेडिसिन उसी समय लेनी चाहिए जब आपको ऐसा दर्द हो जो कि आप सहन बिल्कुल ना कर सकें, क्योंकि पेन लीवर हमेशा आपकी बॉडी को हार्मफुल रहती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह रिव्यू अच्छा लगा होगा। अन्य मेडिसिन संबंधी रिव्यू की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।